मैं ट्यूशन में ट्यूशन से आ गया हूँ और इधर है मम्मा। अम्मा बना रही है बीन। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 5 बजे, शाम के 5 बज रहे हैं और आज थर्सडे है। तो आप सोच रहे हो मैं इतना तैयार होके क्यों व्लॉग कर रही हूँ, तो आज मैं नहीं, रील्स नहीं है आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने वाली हूँ, जो मैं बॉम्बे से लेके आई थी और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी आप लोगों के साथ शेयर करने, बट भूल जाती थी क्योंकि उसके लिए ना थोड़ा मेकअप करके ही वो प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊँगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अभी न्यू ईयर क्रिसमस आने वाला है, तो वो प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है। और ये आ गया है ट्यूशन से, अरबी से आए हैं अजलान, अभी मैं उनके लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डालकर कढ़ाई गरम कर दी हूँ और मम्मा ने चना लिए। अब इसके लिए मैं फटाफट भेल बनाती हूँ और अजलान को ट्यूशन भेजती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ करूंगी प्रोडक्ट का रिव्यू। और ये कौन और आज थर्सडे है तो आज शाम से हमारा वीकेंड चालू हो जाता है, तो इसके बाद थोड़ी कुछ स्नैक्स बनाकर मैं रखूंगी जो हम लोग शाम को रात को मूवी देखते वक्त खाएंगे। और आज तो हम लोग इधर नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह कल जब जाएंगे तो कल का ब्लॉग अलग आएगा। और ये ऐसे क्यों बाल बनाए हो यार, ऐसे चप्पू जैसे। और आज हम लोगों ने किचन की बहुत अच्छे से सफाई की है और मम्मा ये दूसरे ब्लॉग में क्योंकि है ना फ्राइडे वाले दिन हमारी जो काम वाली आंटी है ना वो नहीं आती है, तो बर्तन वर्तन मैंने सब धो धा के और ये अजला ने डेटॉल का स्प्रे बना के पता नहीं क्या कर रहे थे, तो बस मुझे इतने से ही बर्तन धोने के बाकी है, वो मैं बाद में धोंगी। और आज मेरा पूरा किचन अच्छे से क्लीन है और यहाँ पर भी क्लीन ही है, बस ये अभी मैं बनाने के लिए बाहर निकाली हूँ, उसके बाद तो ठीक है। बहुत बड़बड़ करती हूँ, मतलब थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं। और ये है कुरमा, तो ये कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, ऐसा बस अननेसेसरी व्लॉग कर रहा है ये, बस मैं थोड़ा सा कुरमा को रोस्ट कर रही हूँ ताकि ज़्यादा क्रंची लगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करूँ। और इसी में मैं थोड़ा सा चना भी डाल दूंगी। चना खाओगे ना? हाँ बस 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 इतना बस। ये सबको थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट कर लूंगी क्योंकि डब्बे के अंदर रखे रखे थोड़ा सा, मैं बहुत सारा नहीं डाला, मैं नाखून के अंदर चले जाते। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी। और गाइस आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि ये मम्मा का सेल्फी स्टिक यूज करा, देखो ट्राइपॉड। हाँ थोड़ी सी मिर्ची डालूंगी, ज्यादा नहीं। और गाइस जो इंडिया से पैकेज आया है ना उसमें सारे इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं, सारे मेड इन इंडिया भी। मेड इन इंडिया लगने वाला था मेरा कुरमुरा जल जाता। ये देखो व्लॉग बनाने में नीचे से हल्का सा कुरमुरा लग गया है। लग गया नहीं है, जल गया है। इतना नहीं जला है। हाँ। ना नहीं जला कि हम फेंक सकते। बस ये हो गया, मैं इसको निकाल के इसके अंदर चाट मसाला वगैरह डाल के अजान दे दी। एक सेकंड में हो गया है हमारा कुरमुरा रेडी, एकदम एक सेकंड का है पूरा। इसमें मैं डालूंगी चाट मसाला। और क्या डालू इसमें? और बस और कुछ नहीं। और ये डालूंगी क्रंच। ये नो क्रंच करके नहीं, क्रंच करके अच्छा लगे। मैं कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अजलान के इवनिंग स्नैक्स के साथ, मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ और सारे एक्सपेरिमेंट अजलान को पसंद आते हैं। बस 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 स्नैकी करो। क्या है अजलान का स्नैक्स? चली हूँ बिंग क्या बगीस क्या बगलेस क्या है अजलान ये बगलेस बगल्स 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 का हॉट बेगल्स पता नहीं क्या नाम है, बेगल्स है नाम, बेगल्स। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, चीज बोल दी है। मर गई हमारा बस। और ये हमारा तैयार,
और इसमें आप चाहे तो अगर ये क्या बगल्स वगल्स पता नहीं क्या चीज बगल्स नहीं है बेगल्स है वो वॉट एवर जो भी था वो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें लेस या कोई भी चिप्स आपका फेवरेट क्रंच करके डाल सकते हो और इसमें कांदा और टमाटर डाल के भी खा सकते हो कांदा टमाटर नींबू और कोतम्बीर जो अजान को नहीं पसंद है इसलिए अजान खाली ऐसे ही खाए और अगर मेरे फारूक होते इस टाइम पे तो वो ये सब डाल के जरूर खाते फ्रेंड्स मेरा बन गया है नाश्ता और अजला नाश्ता कर रहा है तो मैंने सोचा फटाफट अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करूं और आज ही फटाफट एडिट करके मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूं एक दो घंटे में मैं इसको पोस्ट कर दूंगी क्योंकि आज सुबह से कल मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाई थी तो मैं सोची आज यही व्लॉग बनाती हूँ मैं खाली प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली थी बट अजला ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया एज यूजुअल जैसे वो स्टार्ट करता है तो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है आईलैश एक्सटेंशन यस आईलैश तो आईलैश एक्सटेंशन राइट तो सभी लोग तो आईलैश एक्सटेंशन नहीं करवा सकते हैं और बट बहुत अच्छा लगता है मैंने भी बहुत से लोगों को देखा है आईलैश एक्सटेंशन करवाते हुए तो बहुत अच्छा लगता है तो वैसे तो मुझे आईलैश फेक आईलैशेस भी लगाने की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है मेरे आईलैशेस काफ़ी अच्छे आप देख सकते हो खाली मैं एक मस्कारा का स्ट्रोक करती हूँ तो अच्छा हो जाता है बहुत अच्छे लगते बट मैंने बीच में एक बार मेकअप करवाई थी तो किसी मतलब जो मेरे जो मेकअप करने वाले थे उन्होंने मुझे आईलैश लगाए थे फेक वाले तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे तो मुझे बड़ा शौक था लगाने का बट मैंने एक दो बार ट्राई की तो मुझसे लगे नहीं तो ऐसे ही जब मैं ऐसे ही अमेज़ोन पे चीज़ें देख रही थी ऑर्डर करने के लिए तो मुझे वहाँ पर दिखी थी ये मैग्नेटिक लैशेस तो मैंने इसे ऑर्डर की थी अमेज़ोन से तो ये जो मैग्नेटिक आईलैशेस है ये मैंने इंडिया में मंगवाई थी और मैंने इसे ट्राई भी की तो ये मैंने यूज़ की थी जब मैंने लगाई थी मॉर्निंग में लगाई थी और इसको मैंने डायरेक्ट इवनिंग में निकाली थी और मुझे बिल्कुल मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा था मैं खुद भूल गई थी कि मेरे आंखों पे कुछ लगा है इतनी अच्छी है और ऐसे नहीं जैसे जो नॉर्मल फेक आईलैशेस लगाते तो वो पता चलती है और इवन थोड़े टाइम के बाद वो यहाँ से या यहाँ से कहीं ना कहीं से निकलने लगी बट ये आईलैशेस अगर आप पार्टीज़ में जाते हो जैसे न्यू ईयर पार्टी को या कोई भी पार्टी में डांसिंग वांसिंग में बिल्कुल भी नहीं निकलेगी ये तो ये मैं बताती हूँ मैंने कौन सी आईलैशेस मंगवाई थी तो ये है मैग्नेटिक आईलैशेस तो ये कौन सी ब्रांड की है कैललिस ब्रांड की है और ये कितने हैं इसमें फाइव पैर है इसमें आईलैशेस के और ये मुझे अराउंड 550 तो इसमें मुझे 5 पेयर्स आए थे इसमें 10 पेयर्स वाले भी होते हैं वो कुछ अराउंड 1000 रुपीज़ के तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी तो मैं इसमें बताती हूँ क्या क्या मुझे मिला है तो इसमें तो एक ये है आईलैश एप्लीकेटर और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी और ये जो है ना 2 लाइनर मिले हैं तो ये लाइनर के बगैर ये लगा नहीं सकते ये है इसमें ये जो लाइनर है ना इसमें होता है आयरन ऑक्साइड जो ये लैशेस को लगाने में हेल्प करता है तो ये मैं आपको लगा के पहले तो मैं आपको हाथ पर लगा कर इसे बताती हूँ और ये थोड़ा ग्लॉसी टाइप लाइनर है ये तो इसको मैं पहले आपको थोड़ा सा हाथ पर लगा कर बताऊँगी तो ये मैंने हाथ में लगा ली हूँ ये मैं आपको बताती हुई देखो ये ऐसा होता है थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप है तो इसमें ना आयरन ऑक्साइड होता है जो मैंने सोचा कि पहले इसके बारे में पता कर लूँ कि आयरन ऑक्साइड आँख पे लगाने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा तो मोस्टली बहुत से प्रोडक्ट्स में आयरन ऑक्साइड होता है तो ये आयरन ऑक्साइड करता क्या एक्चुअली इसमें जो आयरन ऑक्साइड ये जो लाइनर में आयरन ऑक्साइड है इसी से ये मैग्नेटिक लैशेज जो है वो स्टिक होती है जैसे कि मैं आपको एक निकाल कर बताती हूँ ये जो आप देख रहे हो ना एक मिनट ये देखो ये जो है ना इसमें ना मैग्नेट लगे हुए हैं ये छोटे छोटे तो जब ये आयरन ऑक्साइड का जो लाइनर हम लोग लगाते हैं ना उसके बाद इसको यूँ ऐसे स्टिक करते हैं तो ये फट से स्टिक हो जाती है तो मैं आपको ये लगा कर बताती हूँ अब तो ये अब मैं लाइनर लगा कर आपको बताती हूँ अपने ऊपर जैसे लाइनर लगाते हैं ना वैसे ही इसे लगाना है
बस थोड़ा सा थिक लगाना होता है। पता नहीं कि कैसे लाइनर लगेगा, क्योंकि जब मैं अगर लगाने के लिए बताने के लिए किसी को लगा दी ना तो आड़ा टेढ़ा हो जाता है। और इसका जो एप्लीकेटर है ना ये भी बहुत अच्छा है। तो ये मेरा लाइनर लग गया है, मैं दूसरी साइड भी लगा लेती हूँ। तो ये मेरा लाइनर अच्छे से लग गया है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हुआ है और ये ग्लॉसी टाइप है एकदम। जो लाइनर है मेरे पास, ऐसा सामने बड़ा मिरर नहीं है, मुझे उसकी आदत है इसलिए लाइनर थोड़ा आड़ा टेढ़ा हुआ है। और ये देखो ये आईलैशेस लग गई है मेरे हाथ पे, ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से लगे। इसका होल्ड देखो कितना अच्छा, यहाँ तो मैंने आधे आधे में थोड़ा सा लाइनर लगाई थी, तो जहाँ जहाँ लाइनर लगा वहीं स्टिक हो गई है। इससे जब भी आप लाइनर लगाओ ना तो थोड़ा सा थिक सा लगाना है, एंड में और इस एंड में ज़्यादा लगाना है। तो अब मैं आपको लगा कर बताती हूँ लाइनर लैशेस। तो इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट है, ये ड्रामेटिक और ये सब सिंपल वाली भी है, तो मैं आपको ये वाली लगा कर बताती हूँ। तो मैं तो एप्लीकेटर नहीं यूज़ करती हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं आज एप्लीकेटर भी यूज़ कर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो ये देखो मैं सेट कर रही हूँ और ये अच्छे से लग गई है, तो ये दिख रहा है। तो मैं दोनों आँख में आपको लगा कर बताती हूँ। तो ये भी देखो मैं लगा रही हूँ दूसरे आँख में, तो बहुत इजीली लग जाती है। मुझे एप्लीकेटर से नहीं होता पकड़ने, ऐसे मैं नॉर्मली लगा लेती हूँ। तो लाइनर को सूखने देना है 5-10 मिनट, उसके बाद लगाना है। और ये मेरी लग गई है, तो ये मैंने ड्रामेटिक वाली लगाई हूँ, ये देखो। तो ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से लगी है। आप इसको मस्कारा से भी सेट कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मली जो लैशेस फॉल्स लैशेस को जैसे सेट करते हैं। तो ये देखो कैसा लग रहा है, ये आप मुझे बताएं। मैंने इसमें से हल्का सा लाइट मेकअप की थी, इसलिए मैंने लाइट मेकअप की थी ताकि जो लैशेस है वो अच्छे से दिखे। अब मैं आपको ना नॉर्मल वाली लगा कर बताती हूँ, और इसको निकालना भी बहुत आसान है। ये देखो ये निकल गई, निकल गई। अब मैं दूसरी लगा कर बताती हूँ आपको। अब ये मैं नॉर्मल वाली लगाती हूँ, और अगर आपकी आईज़ छोटी है, ये तो मेरे आईज़ के साइज़ की है, और अगर आपकी आईज़ छोटी है तो आप उसको थोड़ा सा कट कर सकते हो। तो ये देखो मेरी लैशेस लग गई है, मैंने पहले ड्रामेटिक वाली लगाई थी, अभी मैंने नॉर्मल वाली लगाई हूँ। तो आप बताओ कैसी लग रही है। तो अगर आपको ये मेरी लैशेस अच्छी लगी, और ये बहुत इजीली लग जाती है, जैसे मैंने बहुत से मेकअप वीडियोस में भी देखी हूँ लोग बैक कैमरा मतलब बैक कैमरा लैशेस लगाते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है। ये तो आप फट से बस खाली लाइनर लगाओ, लाइनर को सूखने दो और फट से लगा सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे और प्रोडक्ट्स और ऐसे कुछ मेकअप के वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं आपके लिए मेकअप वीडियोस भी लेकर आऊँगी। न्यू ईयर में सोच रही हूँ आप लोगों के लिए न्यू ईयर मेकअप का कुछ लेकर आऊँ वीडियो। और वैसे तो मैं मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे इतना अच्छा नहीं आता, बट बहुत से लोग मेरे मेकअप की बहुत तारीफ़ करते हैं, तो मैंने सोची कि मैं आप लोगों के साथ, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए न्यू ईयर मेकअप लुक लेकर आऊँ बहुत जल्दी। 1-2 दिन में मैं वो वीडियो कोशिश करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये मेरा सिंपल सा मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताना। मैंने बहुत लाइट सा मेकअप की थी ताकि मैं आप लोगों को आईलैशेस, क्योंकि मेकअप में आईलैशेस ज़्यादा अच्छे से दिख कर आती हैं। तो कैसा लगा ये वाला मेरा मेकअप लुक, और मेरी आईलैशेस कैसी है वो भी मुझे कमेंट करके बताना। और फटाफट आप लोग ये जाए, अगर आपको आईलैशेस चाहिए है तो फटाफट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन से।
और इसका साथ जो लाइनर मिलता है ना, ये अगर खत्म हो जाएगा तो ये आपको ऐसे भी अमेजोन पे मिल जाएगा खाली लाइनर। और जो लैशेस की क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है। और ये जो है ना, ये जो स्टिकर जो ऐसे लाइन जैसा, उस पर ये लैशेस स्टिक हो जाती क्योंकि मैग्नेट है ना, मैग्नेट है। देखो मेरी लैशेस कहाँ कहाँ जा रही है, मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ उसको हर रील्स में। तो बस आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।